सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनायक है। अरे वाह, आपका नाम, मेरा नाम और इनका नाम तो एक ही है। मैं गजानंद, आप विनायक। और इनका नाम, इनका नाम है रंगीली। एक बात बताऊं, आप दोनों की जोड़ी जजती है। आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो साथ में, तो साथ में रहो और खुश रहो। बोलो गणपति महाराज की जय। पंडित जी, आगे की विधि शुरू करें। आप सभी लोग आगे आइए। तेरे चेहरे पर हार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है माया। वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। गॉड बार्स दी गणपति बाबा, प्लीज हमें बचा लीजिए। ये काफी है जो हमें बचा सकते हैं। प्लीज गणपति महाराज, हमें बचा लीजिए। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, किस्मत कितनी बार तेरा साथ देगी। अगली बार तेरी मौत पक्की है सिद्धि। तू शायद भूल रही है माया, जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये तो बस शुरुआत है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर तेरी हार और हमारी जीत निश्चित है। सच्चाई की जीत होगी और झूठ बोलने वाले का मुंह काला। तू तो बस देखती जा, तुझे हम इस घर से भी बाहर निकालेंगे और विनायक की जिंदगी से भी। माया का खेल तो अभी शुरू हुआ है। सिद्धि बहन, तेरी हर चुनौती मंजूर है। हमें उस दिन का इंतजार रहेगा माया बहन। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतम नमामि। तुम तो वही हो ना जिसने कल हमारी जान बचाई थी। अब इतने दिन से पुकारा था आपने, तो तुम मुझे आना ही था ना। गणपति बाबा, प्लीज हमें बचा लीजिए। लेकिन हमने तो गणपति महाराज की जय। अब हम पूजा की बाकी तैयारी पूरी कर लेते हैं, तब तक गणपति महाराज के लिए भोग बनवा दीजिए। हाँ हाँ पंडित जी, वो मोदक तो देसी घी में महाराज जी बना देंगे, लेकिन भगवान जी का भोग जो है ना, वो हमारे घर का ही कोई सदस्य अपने हाथों से बनाएगा। जैसी आपकी इच्छा। अरे वाह, मोदक तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर मुझे महाराज जी के हाथ के बनाए मोदक नहीं खाने। तो फिर बनाएंगी हमारे लिए मोदक? जैसे हमारे गनों की इच्छा, तो रंगीली इस बार मोदक तुम अपने हाथों से बनाओ। रंगीली मोदक नहीं बना सकती,
क्यों भाई, रंगीली मोदक क्यों नहीं बना सकती? दधिया, रंगीली घर की नौकरानी है और भोग तो घर का कोई सदस्य ही बनाता है, इसलिए भोग हम बनाएंगे। तुम किस अधिकार से भोग बनाओगी गोरी में? जान सकती है रंगीली? माना कि रंगीली इस घर की सदस्य नहीं, लेकिन तुम भी तो इस घर की मेहमान हो ना, कोई रिश्ता थोड़ी ना है तुम्हारा इस घर से। एक मिनट, अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। हमने तय कर लिया है, इस साल भगवान जी के लिए मोदक रंगीली बनाएगी तो बस रंगीली ही बनाएगी। दधिया, ये हमें मंजूर नहीं है, आप ये कैसे कर सकती हैं? शिव, आज हमारे घर में त्योहार का दिन है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमें हमारे घर में कोई बहस भी नहीं चाहिए। रंगीली, तुम अपने हाथों से भगवान जी के लिए मोदक बनाओ, चलो। लेकिन मोदक तो हम बना सकते हैं ना सर, प्लीज। क्यों बनाने दे गोरी मैम, रंगीली के हाथ को लखवा मार गया है क्या? तुम बीच में मत बोलो, हम दधिया से बात कर रहे हैं ना। तो हम भी तो दधिया की ही बात सुन रहे हैं। दधिया इस घर की मुखिया है और दधिया से बहस नहीं करते, उनकी आदेश का पालन करते हैं। एक मिनट, मेरे पास इसका भी एक समाधान है। वो क्या? जिसके चलते आप दोनों को मोदक बनाने का मौका मिल सकता है। कैसे? क्यों ना आज आप दोनों के बीच में मोदक बनाने की प्रतियोगिता हो जाए। आप दोनों में से जो अच्छा मोदक बनाएगा उसके बनाए हुए मोदक का भोगी मुझे, मेरा मतलब गणेश जी को लगाया जाएगा। बहुत ही अच्छा सुझाव है, इसी बहाने हमारे घर में पूजा के साथ सबका मनोरंजन भी हो जाएगा। क्यों दतिया, आप एक मामूली नौकरानी से हमारा कंपटीशन करेंगी? यही तो धोखा खा गई ना तुम गोरी में। भगवान के सामने सब बराबर होते हैं, जीत मामूली या खास की नहीं, सिर्फ मन के विश्वास की होती है। तो बताओ, तुम्हें अपने विश्वास पे विश्वास है या मुकाबले से पहले ही हार मान ली? माया ने जिंदगी में हर चीज सीखी लेकिन एक चीज नहीं सीखी, और वो है हार। ठीक है, तो हो जाए। हो जाए। वैसे एक बात तो है, कमाल की मिठाई हो तो सिर्फ सीधा दिल से बनाई जाती है, हाथों से नहीं, और जो भी भोग दिल से बनाएगा वो ही जीतेगा। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन दिल से बनाता है और कौन हाथों से। हमें ये चैलेंज मंजूर है। गणपति महाराज की जय। बोल तो दिया हमने, पर हम सिद्धि से अच्छे मोदक बनाएंगे कैसे? पूरे आगरा में उससे अच्छी मिठाई कोई नहीं बना सकता, फिर हम कैसे जीतेंगे? दीदी, आप मोदक बनाते हुए बहुत प्यारी लग रही हो। कोई और भी था जो मुझसे ये बात कहा करता था। कौन कहता था? तुम्हें किसी ने बताया तुम मिठाई बनाते वक्त कितनी प्यारी लगती हो? हाँ, बताया ना हमारे बॉयफ्रेंड ने। बॉयफ्रेंड? कौन सा बॉयफ्रेंड है? एक इतना प्यारा है, इतना मासूम है, पता है हमारी हाथ की मिठाई खा के ना एकदम बच्चा बन जाता है। इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, दुनिया की सारी लड़कियों को उससे प्यार हो जाए। चलिए ये सब छोड़िए, आप ये खा के बताइए कैसे बने। उसी को खिलाओ जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। पक्का आप नहीं खाने वाले? आ, पक्का
पक्का वाला पक्का। अरे बोला ना पक्का। अरे बुद्धू, हमारा पति नाम का बॉय है, वही हमारा खास फ्रेंड है। सच्ची? सच्ची। जिस लड़के पे आगरा की सारी लड़कियां मरती हो, उसके अलावा कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है? दीदी कहाँ खो गई आप? मोदक दो ना खाने के, भूख लगी है मुझे। गन्नू ये क्या कर रहे हो? ये मोदक भोग के लिए बना रही हूँ मैं, छूटे हो जाएंगे। एक बार गणपति महाराज को भूख लग जाने दो, उसके बाद जितना मर्जी हो खा लेना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अगर मैं नहीं खाऊंगा मोदक तो गणपति जी को भूख कैसे लगेगा? का मतलब? मतलब वो कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते, बच्चों के अंदर भगवान स्वयं वास करते। तो मैं बच्चा हूँ तो मैं भी भगवान हुआ ना। अब गन्नू बात तुम्हारी बिल्कुल सही, लेकिन एक बार पूजा हो जाने दो, उसके बाद मैं ढेर सारी मिठाई और मोदक ई भगवान के लिए भी बनाऊंगी और ई भगवान को भी खुश कर दूंगी। क्या दीदी, आपको पता है ना इतनी जोर से भूख लगी है, अगर जल्दी से मोदक मेरे मुँह पे नहीं गए तो चक्कर आके गिर जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं। सही कहा तूने, भूख भी लग गया और मोदक झूठे भी हो गए। अब तो गणपति जी को भोग हमारे हाथों से ही लगेगा। हाय। से ढके हुए थाल में है इस नौकरानी के हमारा मतलब रंगीली के हाथों से बनाए हुए मोदक, और इस लाल रंग के कपड़े से ढके हुए थाल में है हमारी माया रानी के बनाए हुए मोदक। तो अब माँ अपनी पारखी नजरों से इन दोनों मोदकों को देखेंगी और फिर फैसला लेंगी कि किसके बनाए हुए मोदक ज्यादा मजेदार है। शिव 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 शिव। अरे वाह, कितनी कमाल की खुशबू आ रही है। दादिया जल्दी फैसला लीजिए ना, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। जरूर जरूर, ये देखो, मानना पड़ेगा रंगीली ने मोदक बड़े लाजवाब बनाए। दिल से जो बनाया दादिया। सदा सुखी रहो। रंगीली अभी जीती नहीं है दादिया, आपने हमारे बनाए हुए मोदक अभी देखे नहीं, जब आप वो देखेंगे तो रंगीली के मोदक भूल जाएंगे। शिव 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 शिव। कमाल के मोदक है, एकदम गोल गोल, जो कि दिख ही नहीं रहे, इसे कहते हैं अंतर्ध्यानी मोदक। शंभू, शंभू। हमने कहा था ना तुमसे मार्केट से बेस्ट मोदक लाके थाल में रखने के लिए, पैसे भी दिए थे, तो फिर कहाँ गए सारे मोदक?
नाम है रंगीली, जबान है कटी जी। हाथ उठाने वालों का हाथ तोड़ने की हिम्मत भी रखते। दोबारा बताएं या एक ही बार में खुल के समझे? बाजार से ही मोदक लाके थाल में सजाना था तो प्रतियोगिता किस बात की? बस माया, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। लेकिन दादी, भगवान के भोग में भी फरेब गोरी में गलती खुद की और हाथ मुझ पे उठा रही। कमाल है। बात तो ई हुई थी ना कि हाथ से मोदक बनाएंगे, तो बाहर से मंगाने का क्या मतलब हुआ? बात तो एकदम सही है रंगीली की। माया, हमें तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। अब क्या किया जाए बोलो? या तो सिर्फ रंगीली के बनाए मोदक है, तो अब इन्हीं मोदक का गणेश जी को भोग लगाना होगा, है ना? आओ रंगीली, चलो भोग लगाओ। एक मिनट, अब क्या हो गया? तदिया, अगर हमारे लाए हुए मोदक से भोग नहीं लग सकता है, तो इसके बनाए हुए मोदक से भी नहीं लग सकता है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है रंगीली के बनाए मोदक में? क्योंकि ये मोदक झूठे हैं, इनसे भोग नहीं लग सकता। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे संभव है? कोई प्रमाण वगैरह है तुम्हारे पास इस बात का? हाँ दादिया, हमारे पास सबूत भी है। जब ये मोदक बना रही थी तो इस कन्नू ने उन्हें खाकर झूठा किया था। ये देखिए, क्या हुआ? आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये तुमने जो भी बनाया है ये वीडियो, इसमें तो कहीं पर भी गन्नू मोदक खाता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खुद अपने हाथों से ये वीडियो बनाया था, कैसे हो सकता है? बस माया, अब तुम्हारा झूठ और नहीं चलेगा। अगर गन्नू ने मोदक खाया है तो इस वीडियो में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अगर तुम सबका आडंबर हो गया हो तो हमारे गणेश जी भूखे बैठे हैं, भोग लगाने का मुहूर्त हो गया है। रंगीली, लाओ तुम्हारे बनाए हुए मोदक से हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। गिरी हुई हरकतें करना बंद कर। बहने तो हमारी, इसलिए सलाह दे रही, वरना दूसरों के लिए गड्ढा खुदते खुदते कहीं खुद कुएं में ना गिर जाए, और तब तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। वापस आ जा सच के रास्ते में, हम सब कुछ भुला के तुझे माफ कर देंगे। माफी? माया तुझसे माफी मांगने से अच्छा मरना पसंद करेगी। और अपनी सलाह तुम अपने पास ही रखो, तुम हमसे जीत नहीं सकती हो सिद्धि। ठीक है माया, जैसी तेरी मर्जी। अब तो बर्बाद ही होना चाहती है, तुझे कौन रोक सकता है? Let's go!
ज्यादा खुश मत हो, सिर्फ आज जीती है तो हमेशा नहीं जीतेगी। इस लड़ाई में जीत माया की ही होगी। एक बहन की दूसरी बहन से कभी लड़ाई नहीं हो सकती, लेकिन ये बात तू नहीं समझेगी क्योंकि तू गलत रास्ते पे चल पड़ी। लेकिन तेरी बहन होने के नाते तुझे सही रास्ते पे लाना हमारा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। गणपति महाराज की जय। दादिया, आपको याद है जब आप मेरी उम्र की थी तब आप और मेरी दादी गांव में गणपति जन्मोत्सव में नाटक में हिस्सा लेती थी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उस वक्त तुमने हमारा नाटक देख रखा था, हैं? देखा भला ही ना हो, लेकिन आपकी सहेली यानी मेरी दादी ने मुझे सब कुछ बताया। ये सच है ना? हाँ बेटा, उस वक्त हम लोग बहुत छोटे थे। तुम्हारी दादी माता पार्वती का चरित्र निभाती थी और हम भगवान शिव का। और दादिया, आपने कभी हम सबको तो ये नहीं बताया। दादिया, क्यों ना इस साल भी कुछ ऐसा ही हो जाए। सही है, इससे अच्छा तो और कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। इसी बहाने में दादिया की एक्टिंग देखने को मिल जाएगी। अरे हमारी उम्र रह गई क्या ये सब करने की? अरे तुम क्यों मन महसूस रहे हो? नाटक होगा, अवश्य होगा, और तुम सारे बच्चे मिलकर वो नाटक करोगे। अरे वाह, मजा आ जाएगा। लेकिन सुषमा तुम नहीं, हम और सुषमा बैठकर नाटक देखेंगे। क्या माँ? ठीक है दादिया, तो मैं भी आपके पास बैठ के देखूंगी नाटक। दादिया दादिया, मैं भी। अरे हाय, एक मिनट, लेकिन ऐसे तो समस्या हो जाएगी। अब नाटक करने के लिए तो तीन ही लोग बचे हैं, हमारा विन्नू, माया रानी और ये रंगीली। तो ऐसे में तय कैसे करेंगे कि कौन भगवान शिव बनेगा, कौन माता सती बनेगी और कौन राजा दक्ष बनेगा? हा? इसमें चिंता की क्या बात है, हम पर्ची रख देंगे और तय हो जाएगा। बहुत बढ़िया सुझाव है। अच्छा है, बड़े दिनों के बाद हमारे पांडे परिवार में खुशहाली का वातावरण होगा। गणपति महाराज की जय। अब इस नाटक में विनायक अगर शिव बनेंगे तो सती हम किसी और को कैसे बनने दे सकते हैं? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.